प्रदेश की सीएम मनोहर सरकार ने गुरुवार को नारायणगढ़ वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। सीएम ने भावांतर भरपाई धन्यवाद रैली में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का जहां उद्घाटन और शिलान्यास किया, वहीं नए सिविल रेस्ट हाउस और गांव धनाना में बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को नारायणगढ़ की अनाज मंडी में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सैनी की ओर से आयोजित भावांतर भरपाई धन्यवाद रैली में शिरकत की। रैली में सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज, सांसद रतनलाल कटारिया समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ में 162.49 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नए सिविल रेस्ट हाउस और 266.89 लाख रुपए की लागत से गांव धनाना में बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव बड़ागढ़ में 898 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मॉडर्न स्पोर्ट्स स्टेडियम, जगाधरी बिलासपुर साढ़ौरा, नारायणगढ़ रायपुर रानी रोड पर जिला अम्बाला में किलोमीटर 47.08 से 54.10 किलोमीटर तक के विकास कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री की ओर से गांव चारसौली में लगभग 80 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले महाराणा प्रताप बागवान विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भावांतर भरपाई योजना को बनाया जाएगा और हर मंडी में गुणवत्ता जांच लैब बनाई जाएगी। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किसानों की मदद करेंगे। ठीक है कि मिल का अपनी इलाके से कोई नहीं होगी, लेकिन किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे। मिल के माध्यम से पैसे मिलेगा तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बड़ा विचार करके किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सांसद राजकुमार सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि राजकुमार सैनी के तिलों में तेल नहीं, हर 2.5 साल में जनता को बहकाने के लिए पाला बदलते हैं और ये तीसरी बार पाला बदला है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा छाती ठोक कर कहते थे किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवा लो, मैं तैयार हूँ, लेकिन अब जब जांच हो रही है तो किस मुंह से द्वेष की राजनीति का शोर मचा रहे हैं। जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनता टीवी के लिए नारायणगढ़ से राजेश वर्मा की रिपोर्ट।